हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो बच्चों में जो ज़्यादातर बच्चे यानी एज अगर 1 साल से लेकर अगर 12 साल तक के बच्चों की अगर बात करें तो उनमें जो ज़्यादातर फ्रैक्चर जो हाथ में फ्रैक्चर होता है गिरने की वजह से या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते समय स्केटिंग करते समय जो फ्रैक्चर होते हैं वो ज़्यादातर फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियस पे। एक बच्चे का एक्सरे है एपी व्यू एंड रिस्ट का, इसमें हम अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे डिस्टल रेडियस में बच्चे को फ्रैक्चर है। ये अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है यानी क्रैक हो गया है बोन में, लेकिन बोन साइड नहीं हुई है, बोन हड्डी से जुड़ी हुई है, खाली क्रैक हुआ है। अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये एपी पोजिशन में ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये हाथ क्रैक हो गया है यहाँ से, ठीक है, बच्चे को गिरने की वजह से। ज़्यादातर जो बच्चों में फ्रैक्चर होता है वो यहीं पे होता है, और ये ऐसा फ्रैक्चर होता है कि इसमें ज़्यादातर जो फ्रैक्चर का जो हीलिंग और ट्रीटमेंट है वो प्लास्टर से ही हो जाता है, उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे की बोन कम्प्लीटली ग्रोथ डेवलप नहीं होती है इस एज में। इसलिए अगर छोटा मोटा फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है तो वो नॉर्मली ऑटोमेटिक एक नॉर्मल प्लास्टर से हील हो जाती है, उसके लिए ऑपरेशन का जल्दी से नहीं बनता जब तक वो वहाँ से हट ना जाए, ठीक है। इसका अगर हम दूसरा व्यू देखें, लेटरल व्यू देखें, तो इसमें देखिए ये बोन यहाँ से हटी नहीं है, हाथ से जुड़ी हुई है, खाली बोन में क्रैक आया है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है ये वाला जो फ्रैक्चर है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में जल्दी से जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर होता है वो भी बच्चे का प्लास्टर ही करता है, जल्दी से ऑपरेट नहीं करता जब तक कि बोन साइड में ना आए, ठीक है। तो ये मोस्टली बहुत ज़्यादा बच्चों में गिरने की वजह से और जो खेलने की वजह से जो फ्रैक्चर होता है वो ज़्यादातर रेडियस में ही होता है। रिस्ट बोन में फ्रैक्चर, स्कैफोइड बोन फ्रैक्चर होती है अगर रिस्ट बोन में होती है, ज़्यादातर वो बड़ों में होता है। अगर बड़े में अगर कोई गिरता है तो जल्दी से यहाँ पर फ्रैक्चर नहीं होता है, वो स्कैफोइड बोन जो ये है इस बोन में होता है। अभी बच्चे के जल्दी से स्कैफोइड बोन में फ्रैक्चर नहीं होता क्योंकि वो बोन कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई होती है। अगर हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे तो ये वाला जो है स्कैफोइड बोन है हमारा, और ये जो है रेडियस का हिस्सा है, ये वाली जो पूरी बोन है वो रेडियस है, ये डिस्टल रेडियस में इसको फ्रैक्चर है, और ये वाली बोन जो है वो अल्ना बोन है। रेडियस और अल्ना में कन्फ्यूजन नहीं है, जो थंब की साइड में जो बोन होती है वो उसको बोलते हैं रेडियस, और जो लिटिल फिंगर की साइड में जो बोन होती है उसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है। और जो रेडियस की साइड में ही जो सबसे रेडियस के ऊपर जो बोन होती है उसको बोलते हैं स्कैफोइड बोन, ये वाली जो बोन है वो स्कैफोइड बोन है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।